ये एक ऐसे रिश्वतखोर भ्रष्ट इंजीनियर की कहानी है जिसका नाम है धर्मेंद्र जायसवाल। लोकायुक्त पुलिस लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर धर्मेंद्र जायसवाल को पिछले दिनों लोकायुक्त द्वारा 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब इसकी संपत्तियों की पूरी जाँच की जा रही है और पता चला है कि पैसा देकर उसने इंदौर में अपना तबादला करवाया था। इसके पहले यह बुरहानपुर और अन्य जगह पदस्थ था। पुलिस द्वारा इन सारे मामलों की जांच की जा रही है कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आया। पता चला है कि 10 साल पहले यह सेवा में आया था। इसके नगर निगम रजिस्ट्रार कार्यालय IDA खरगोन रजिस्ट्रार के साथ बैंकों को भी पत्र लिखा गया है और उसके भाई तथा उसके पिता के नाम पर संपत्ति की जाँच की जा रही है। इसके साथ ही जानकारी भी मांगी गई है। नौकरी की अवधि के दौरान संपत्ति खरीदी गई तो जायसवाल के खिलाफ एक नया केस दर्ज कराया जाएगा। जायसवाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह कई तरीके से भ्रष्टाचार करता था और इतना लालची था कि 3 लाख रुपए देने के बाद भी 1.5 लाख रुपए की मांग और कर रहा था। वह कई लोगों से यह भी कहता था कि उसे 35 लाख रुपए देकर इंदौर संभाग की यह बड़ी पोस्ट पर नियुक्ति पाई है, इसलिए वह अपने हिसाब से काम करेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या लोकायुक्त पुलिस इस बात की जांच करेगी कि 35 लाख रुपए उसने किसको दिए और फिर वो यहां पर कैसे आया। पता तो यह भी चला है कि धर्मेंद्र जायसवाल जिस डिवीजन नंबर 1 में पदस्थ था वहां करोड़ों के काम होते हैं। विभाग के 2 डिवीजन हैं जिनमें 1 नंबर डिवीजन 2 की तुलना में बहुत बड़ा है। सड़कों के ज्यादातर महत्वपूर्ण काम इसी डिवीजन में होते हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस के अलावा खासतौर पर केंद्रीय सड़क निधि से इंदौर संभाग में बनने वाली ज्यादातर सड़कें इसी डिवीजन के अधीन है। संभवतः इसी वजह से जायसवाल अपनी पोस्टिंग इसी डिवीजन में कराने में कामयाब रहा। डिवीजन 1 में इंदौर महू जबकि डिवीजन नंबर 2 में सांवेर देपालपुर तहसील शामिल है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अकेले केंद्रीय सड़क निधि से डिवीजन नंबर 1 में 25-30 करोड़ की सड़क बनाई जाती है। हालांकि फिलहाल CRPA के तहत 3-4 सड़कें ही बनाई जा रही है। PWD की मदद से 3-4 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। जाहिर है कि जितना काम उतना पैसा। ज्यादा कमाई के चक्कर में ज्यादातर इंजीनियर यहाँ पोस्टिंग कराते हैं। जायसवाल के घर पर छापा पड़ने के बाद प्रदेश भर के PWD इंजीनियरों में हड़कंप है और कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।